हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। यह वीडियो रेमेडियल ग्रामर के लिए है और रेमेडियल ग्रामर के आज का टॉपिक है फ्यूचर फॉर्म्स। जैसा कि हम जानते हैं कि समय को तीन भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है। एक तो होता है प्रेजेंट टाइम, दूसरा होता है पास्ट टाइम एंड तीसरा होता है फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम के लिए वर्ब की कुछ फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं जिनमें टेंसेस भी होते हैं, एंड पास्ट टाइम के लिए भी वर्ब की कुछ फॉर्म्स यूज की जाती हैं या प्रयोग की जाती हैं और उनमें टेंसेस भी होते हैं। टेंस का भी मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होता है। एंड इसी तरह से फ्यूचर टाइम के लिए भी कुछ वर्ब्स प्रयोग की जाती हैं। यहाँ फ्यूचर टाइम के लिए कुछ वर्ब्स प्रयोग की जाती हैं इसका यह कतई मतलब नहीं है या बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो वर्ब या वर्ब की जो फॉर्म्स फ्यूचर टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं वे पास्ट टाइम के लिए या प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ नहीं की जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि सभी फॉर्म्स वर्ब की सभी फॉर्म्स सभी टेंसेस में प्रयोग या सभी टाइम के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती हैं। हो सकता है कि दो वर्ब की कोई फॉर्म तीनों टाइम के लिए यूज़ की जा सकती हो, कोई फॉर्म सिर्फ दो टाइम यानी प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम के लिए ही प्रयोग की जा सकती हो, लेकिन ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि अगर कोई वर्ब फ्यूचर टाइम के लिए प्रयोग हो जाएगी तो वह पास्ट टाइम या प्रेजेंट के लिए नहीं हो सकती। वह हमारा पहले के अध्ययन या भाषा के चलन के अनुसार या भाषा के नियमों के अनुसार जो वर्ब्स जहां पहले से यूज़ होती आई हैं वहां पर वैसे वैसे यूज़ हो सकती हैं। तो आज के फ्यूचर टाइम के लिए वर्ब की जो फॉर्म्स प्रयोग की जाती हैं उनको फ्यूचर फॉर्म्स कहते हैं, और आज के लेसन की फ्यूचर फॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पर। तो फ्यूचर फॉर्म्स क्या है हमारे? फ्यूचर टाइम इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ दीज फाइव फॉर्म्स, ये हेडिंग है आज की, कि इन फाइव फॉर्म्स के माध्यम से फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है। एंड दीज फाइव फॉर्म्स हैं, नंबर वन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड नंबर टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड बी गोइंग टू का मतलब है इज एम आर या वॉज वर प्लस गोइंग टू, एंड बी प्लस इन्फिनिटिव का मतलब है बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज इन्फिनिटिव, एंड देन इट इज मॉडल ऑक्सिलरीज शैल एंड विल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर टेंस का निर्माण किया जाता है या फ्यूचर टेंस चलन में होता है, और फ्यूचर टेंस की सभी वर्ब्स शैल और विल के माध्यम से ही एक्सप्रेस की जाती हैं या सभी फॉर्म्स इसी से बनाई जाती हैं। इस वीडियो को या जो फ्यूचर फॉर्म्स का जो वीडियो है जिसमें सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बी गोइंग टू, बी प्लस इन्फिनिटिव एंड मॉडल ऑक्सिलरीज शैल एंड विल, ये सभी फॉर्म्स लगभग मुझे लगता है तीन वीडियोस में या तीन से ज़्यादा वीडियोस में आ पाएंगे, क्योंकि 10-10 मिनट का ही हम वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट या 15 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आज पहले पार्ट में वीडियो के इस पहले पार्ट में फ्यूचर फॉर्म्स के पहले पार्ट में हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेंगे और दूसरे पार्ट में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड बी गोइंग टू प्लस बी प्लस इन्फिनिटिव लेंगे, तीसरे पार्ट में मॉडल ऑक्सिलरीज शैल एंड विल लेंगे, एंड अगर वह वीडियो लेंथी होता है तो फोर्थ पार्ट में इसका कुछ पार्ट लेंगे। तो आइए बात करते हैं या सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट। व्हाट इज अ सिंपल प्रेजेंट, हाउ सिंपल प्रेजेंट एक्सप्रेसेस फॉर्म्स फॉर फ्यूचर टाइम।
देखते हैं सिंपल प्रेजेंट प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम, इसका अर्थ हुआ सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस और ई एस लगाकर लिखें तो वह सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम, एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम का मतलब है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, अगर इस तरह से, नेक्स्ट ईयर तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह से हम आने वाले समय का कोई भी एडवर्ब यहाँ लगाते हैं तो वह एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम हो जाता है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन से हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वह कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस अ डेफिनेट प्लान, प्रोग्राम और अरेंजमेंट। यहाँ पर इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ अगर एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम हम ऐड कर देते हैं तो वह फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने लगता है, लेकिन फ्यूचर टाइम के कौन से इवेंट्स या एक्शंस को इंडिकेट करता है, फ्यूचर टाइम के डेफिनेट प्लान, प्रोग्राम और अरेंजमेंट को इंडिकेट करता है। फ्यूचर टाइम में अगर कोई हमने संभावना या अनुमान या कोई प्रिडिक्शन अगर हमने की है तो उसको यह इंडिकेट नहीं करता या उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता। जो सॉलिड डेफिनेट एंड सर्टन प्लान्स और प्रोग्राम्स हैं और जो ऑफिशियल फॉर्मल ऑफिशियल प्लान और प्रोग्राम्स हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सप्रेस करने के लिए इस फॉर्म का यूज़ किया जाता है फ्यूचर टाइम के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए इंडिया गोज टू पोल्स नेक्स्ट मंथ, इंडिया दिस इज एन ऑफिशियल प्रोग्राम, ये जो पोल्स का प्रोग्राम है ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है, फॉर्मल प्रोग्राम है, इसमें ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो इसलिए यह सेंटेंस यहाँ सिंपल प्रेजेंट प्लस नेक्स्ट मंथ आया है तो दिस इज द एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम, इससे यह एक्सप्रेस किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इसी तरह से द प्राइम मिनिस्टर बोर्ड्स द प्लेन ऑन 20th ऑफ दिस मंथ, द प्राइम मिनिस्टर बोर्ड्स द प्लेन, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ एस और ई एस वर्ब के साथ यहाँ पर आया है एंड इसके साथ ही यहाँ एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम आया है ऑन 20th ऑफ दिस मंथ, क्या हो जाता है ये एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम हो जाता है। तो एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फ्यूचर टाइम के लिए एक सर्टन प्लान, प्रोग्राम ये इंडिकेट करने लगता है। और यहाँ भी ध्यान दीजिए यह ऑफिशियल प्लान और प्रोग्राम है, फॉर्मल ऑफिशियल प्लान और प्रोग्राम है, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देंगे। फॉर्मल ऑफिशियल और ऑफिशियल प्रोग्राम का मतलब है कि इनफॉर्मल प्रोग्राम्स इसमें नहीं बनाए जा सकते, इनफॉर्मल की आगे भी बात करेंगे, लेकिन इनफॉर्मल प्रोग्राम्स इस सेंटेंस या इस कॉम्बिनेशन के साथ मीन्स सिंपल प्रेजेंट प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम के साथ इनफॉर्मल प्रोग्राम्स नहीं बनाए जा सकते फ्यूचर टाइम के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जिस तरह से मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट प्लस एडवर्बल से ये इंडिकेट करता है सर्टन प्लान प्रोग्राम्स को, वही बात यहाँ पर आगे कही गई है, क्योंकि यह सर्टनिटी दिखाता है, यह एक निश्चितता दिखाता है और सर्टनिटी और डेफिनेट प्लान प्रोग्राम को इंडिकेट करता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है फ्यूचर टाइम के प्लान और प्रोग्राम्स दिखाने के लिए। और ये सेकंड पॉइंट हमको बताता है कि इस तरह के सेंटेंस के लिए फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए हमको फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कॉम्बिनेशन का हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि
जो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन को इंडिकेट करता है, वो किसी सर्टनटी को इंडिकेट नहीं करता या किसी डेफिनेट प्लान या प्रोग्राम को इंडिकेट नहीं करता है। इसलिए फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को यूज़ नहीं हमें करना चाहिए और उसकी जगह पर सिंपल प्रेजेंट प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम को ही हमको यूज़ करना चाहिए और यही प्रिफर किया भी जाता है ग्रामेरियंस के द्वारा। तो इसलिए यहाँ देखिए, इन फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स अ प्लान प्रोग्राम अरेंज्ड ऑलरेडी, ये यूज़ किया जाता है इन फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स अ प्लान प्रोग्राम अरेंज्ड ऑलरेडी। सिंपल फ्यूचर इंडिकेट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन, नॉट अरेंज्ड प्लान्स। सिंपल फ्यूचर जो है वो सिर्फ प्रिडिक्शन को इंडिकेट करता है, ना कि ऐसे कोई प्रोग्राम्स जो पहले से अरेंज्ड हैं, पहले से सर्टन है, पहले से निश्चित है, पहले से डेफिनेट है, जो चेंज होने वाले नहीं हैं, उन प्रोग्राम्स को यह इंडिकेट नहीं करता। इसलिए यहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते, मीन्स सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल के कॉम्बिनेशन का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करते हैं। सी द एग्जांपल्स, द प्रेसिडेंट विल लीव फॉर जर्मनी टनाइट। अगर हम कहते हैं द प्रेसिडेंट विल लीव फॉर जर्मनी टनाइट, तो इसका मतलब हुआ ये एक सिंपल प्रिडिक्शन है और ये सिंपल प्रिडिक्शन होने के कारण इसमें कोई सर्टनटी नहीं है या इसमें कोई इस तरह से कोई डेफिनेट प्लान या प्रोग्राम की ओर इंडिकेशन नहीं है, तो इसलिए हमको ये यूज़ नहीं करना चाहिए। द प्रेसिडेंट लीव्स फॉर जर्मनी टनाइट, द प्रेजिडेंट लीव्स फॉर जर्मनी टू नाइट इज़ अ डेफिनेट प्लान इंडिकेटिंग सर्टनटी। ये प्रोग्राम, ये प्लान, ये सेंटेंस सर्टनटी को इंडिकेट करता है एंड देयर फॉर इट इज़ यूज, इट मस्ट बी यूज। और कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर फॉर्म के रूप में सर्टन प्लान और प्रोग्राम को इंडिकेट करता हुआ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस या और थर्ड पॉइंट इज, सिंपल प्रेजेंट ऑल्सो रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शंस इंडिकेटिंग टूर प्रोग्राम्स अरेंजमेंट्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए, फ्यूचर टाइम के लिए जो सीरीज ऑफ एक्शंस जो प्लान किए जाते हैं जिनमें टूर या इस तरह के अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको इंडिकेट या एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। फ्यूचर ऑफ ये यहाँ पर फ्यूचर एक्शंस का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शंस। अ सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शंस का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्शंस का मतलब होता है द वन एक्शन आफ्टर द अदर, वन एक्शन आफ्टर द अदर, मतलब एक एक्शन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एक्शन, तीसरे के बाद चौथा एक्शन, चौथे एक्शन के बाद पांचवा एक्शन। अगर इस तरह से एक के बाद एक एक्शन अगर हम दिखा रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो फिर वो सीरीज हो जाती है और उस सीरीज को दिखाने के लिए भी, फ्यूचर प्लान की उस सीरीज को दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम के साथ यूज़ करते हैं। एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम जिसमें आने वाले समय को इंडिकेट करने वाला कोई एडवर्ब लगा हो उसको हम एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम कहते हैं। तो उसके साथ हम सीरीज ऑफ एक्शंस को हम इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट को इस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रेजिडेंट लैंड्स एट 8 AM नेक्स्ट संडे, इनॉग्रेट्स द साइंस कांग्रेस एट 9 AM, मीट्स अ डेलीगेशन ऑफ साइंटिस्ट्स एट 2 PM and attends a reception at 4 PM and flies back to Delhi in the evening. इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर जगह न होने के कारण ऊपर मैंने लिख दिया है, आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो ये यहाँ पर देखिए, पहली घटना होती है या पहला कार्यक्रम होता है, द प्रेजिडेंट लैंड्स एट 8 AM, दिस इज वन एक्शन, एंड नेक्स्ट संडे इनॉग्रेट्स द साइंस कांग्रेस एट 9 AM, ये दूसरा एक्शन हो गया, एंड मीट्स अ डेलीगेशन ऑफ साइंटिस्ट एट 2 PM, ये तीसरा एक्शन हो गया, अटेंड्स अ रिसेप्शन एट 4 PM, ये चौथा एक्शन हो गया, एंड फ्लाइज बैक टू दिल्ली इन द इवनिंग।
और इस तरह से ये पांचवा एक्शन हो गया। तो इस तरह से ये एक्शंस की एक सीरीज हो गई। तो इस तरह की सीरीज को एक्सप्रेस या इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर टाइम के की सीरीज ऑफ एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। इस वीडियो के इस पार्ट के लिए इसमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस तक ही लेना था। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना है एंड इसके बाद कल मैं दूसरा वीडियो आपको दूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग एंड बी ए गुड ग्रामेरियन एंड बी ए गुड बी ए फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। थैंक यू, दैट्स ऑल।